एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है मुल्तानी मिट्टी का। ये तो ये मैंने मंगवाई थी, बहुत सारी है। तो टेस्टिंग के लिए मैंने इसको ऐसे ना थोड़ा सा करके रखा था, लाइक कि ये मेल्ट हो जाए। पता नहीं हो कि ना हो, तो एनी मैं यू नो ख़राब ही ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करके पहले से रखा कि आइडिया हो जाए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये देखें जनाब, ये मेरी सेलिब्रेशन वीडियो भी है और इसको मैंने सेलिब्रेशन में यूज़ करना है। इसकी वीडियो आप पहले देखेंगे और ट्यूटोरियल आप बाद में देखेंगे। सो ये मैंने, ये देखें, इसको मैंने करके रखा था पहले। ये कभी भी ऐसे मोल्ड नहीं हो सकती है क्योंकि ये इतनी स्टिकी है कि ये ड्राई होने के बाद फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन ये ऐसे मोल्ड कभी भी नहीं होगी। इसलिए हमें इसके अंदर और भी चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी, और भी बस एक चीज़ शामिल करनी पड़ेगी, बट अभी मैं वो नहीं आपको बता सकती। मैं अभी आपको सिर्फ इतना बताऊँगी कि हमने इसको बना, अभी इसको सिर्फ मेल्ट करने का दिखाने लगी हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके इस तरह के दो पीसेस मेल्ट कर चुकी हूँ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कितनी यूज़ होगी, कितनी डलेगी, कितनी नहीं डलेगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। बल्कि इससे बड़े पीसेस थे जो ये है ना, ये मेल्ट हो गए, ये इससे बड़े पीसेस थे। देखते हैं अब क्या बनता है इसका, आई हैव नो आइडिया। तो मैंने कहा ये मैं एक और पीस जो है वो मेल्ट करने लगी थी आपके सामने, मैंने कहा डाल दूँ इसके अंदर। इस तरह के ऑलरेडी मैंने इस तरह के आप कह लें तीन पीसेस पहले किए हैं, अपने फोर्थ पीस में अंदर इन कर रही हूँ इसके इन ओके। तो ये पानी भी थोड़ा सा और ऐड कर देंगे इसके अंदर, ताकि ये मेरे हाथ देख लें कैसे स्टिकी हो गए हैं। अब ये उतरेगी नहीं, कितनी ये कोई जानलेवा चीज़ है ना। तो अभी मैंने इसलिए सिर्फ इतनी सी मेल्ट की है कि अगर मुझे बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगी, ये ना हो कि मेरा टेक्सचर ख़राब हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आपको इतना पार्ट पहले मैं रिकॉल कर लेती हूँ, जिस दिन ये मेल्ट हो जाएगी और मेरा दूसरा टेक्सचर जिसमें मैंने इसको मिक्स करना है फॉर मुल्तानी मिट्टी बनाने के लिए, प्योर मर्ड कह लें, आप इसे येलो डर्ट कह लें, जो भी कह लें, तो वो अभी उसको पहले ड्राई करूँगी, सिफ्ट करूँगी, फिर उसके बाद इसको उसमें ऐड करूँगी। ठीक है, मैंने लास्ट जो पार्ट रिकॉर्ड किया था उसके बाद अब ये वाला पार्ट जो है मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने जितनी भी वो की थी मेल्ट, ये देखें ये मेल्ट हो गई है। और इसमें जो मैंने मिक्स करना था वो था वाइट सीमेंट, ये देखें, क्योंकि अगर मैं इसका ये जो कलर है इसको मैं किसी भी और अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस प्लीज़, अगर मैं इसको किसी भी और सैंड के साथ मिक्स करूँगी, मर्ड के साथ मिक्स करूँगी, कलर डल हो जाएगा। इस वजह से मैंने वाइट सीमेंट यूज़ किया है ताकि इसका कलर ना डालो और ये जो है अच्छे से लाइक हो जाए। ठीक है, और ये इस कदर स्टिकी टेक्सचर है कि वो अभी तक ना अंदर ऐसे गुठलियाँ गुठलियाँ फील हो रही हैं, और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका, तो मेरे लिए भी ये ट्राई है और आप लोगों के लिए भी ट्राई है। और ये जो सीमेंट है ये सिफ्ट किया हुआ है और ये रीयूज सीमेंट है, ये फ्रेश सीमेंट हरगिज़ नहीं है। ये ना हो कि आप लोग फ्रेश सीमेंट डाल दें और वह बेचारा सारा अल्लाह को प्यारा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेश ज़्यादा हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रे सीमेंट। सो इस वजह से इसको आपने, ये काफ़ी रीयूज है, जो मेरे पास रीयूज सीमेंट था जिसके जो एक टेक्स्चर था, ये बिल्कुल अब मैं इसमें जितना मर्जी पानी डालूँ ये हार्ड नहीं होगा, ये वैसा रीयूज हो चुका है। तो ये है, ठीक है, ये थोड़ा मैंने बकेट में ज़्यादा निकाल लिया कि मेरे, मैं फ्लावर पे इसको मिक्स नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ये ना हो गया काम ख़राब हो जाए, वो ऑल डस्ट मिक्स होगी फिर ज़्यादा, तो इस वजह से। ये देखें जनाब, ये है पानी में थोड़ा सा और इसमें ऐड करके देखती हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे
अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें करेंगे इन, तो हम डालते हैं इसमें से। चाहे उसमें भी कलर ना आए इसका। बट मुझे था कि आ जाएगा और आ ही जाएगा। एक्सपेरिमेंट है ये मेरे लिए भी, अगर ये रेडी हो गया तो। मेरे ख्याल से मैं इसको पेस्ट फॉर्म में लेके आऊँ तो ये ज़्यादा होगा, आई डोंट नो, मुश्किल काम। परेशान आपने नहीं होना कि मिशा ये क्या कर रही है, क्योंकि ये देखा हमें पेस्ट ही बनाना पड़ेगा सारे का। ये नेचुरल होती हैं, बिल्कुल प्योर होती हैं। तो आया कलर देखा है हमने, इसे और पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाए और इसका जो है कलर जो है ये सारा हो जाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, और पानी आ रहा है। अभी ये मेरे पास बहुत ज़्यादा सीमेंट पड़ा है, मैं एक पूरा टेक्सचर बनाना चाह रही थी तो इस वजह से मैंने सारा सीमेंट यूज़ कर लिया। मैंने सोचा कि जो वाइट सीमेंट होगा उसको मैं जो है वो न्यू बनाऊंगी, लाइक वो ये काफ़ी यूज़ हो चुका है और आप भी न्यू सीमेंट मांगते हैं तो मैं वो न्यू मंगा लूँगी और इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेती। हाँ ज़रूर, मेरे अल्लाह को प्यारे होंगे अब जब तक आपने ये सीख देखी। ये देखें जी कैसा प्यारा गोल्डन कलर आ गया इसमें। ठीक है, ऐसा करते हैं पहले सारा मिक्सिंग आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद जो है फिर हम बातें करेंगे। ये ना हो के वीडियो जो है लंबी हो जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी मिक्सिंग मुश्किल है।
सकते हैं जनाब ये हो गया है कम्प्लीट, मतलब मिक्सिंग इसकी अच्छी सी हो गई और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो अब हम इसको अभी छोड़ देंगे ऐसे ही, मुझे नहीं पता कि मैं, हो सकता है ये काफ़ी लिक्विड ही है, मैं इसको एक दिन छोड़ के देखूँगी इस ये किस फॉर्म में आता है। अगर तो ये हो गया थोड़ा हार्ड फॉर्म में तो मैं इसको लाइक इसके चंक्स निकाल लूँगी, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या करना है, फिर मैं वॉश पार्ट शूट करूँगी। ओके हेलो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट आ गई हूँ मैं लेके, मुझे पता है देखेंगे तो आप ये सब साथ में ही, बट मैंने कहा कि बता भी दूँ कि कितने पार्ट में ये जो है बेचारा ये अभी तक कितना स्टिकी है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैंने ना इसको वो पानी तो ड्राई नहीं कर रहा था क्योंकि मौसम चेंज हो गया टब के अंदर, तो मैंने ना इसको इस तरह फ्लोर पर निकाल दिया था, ठीक है। और अब मैं इसकी बस शेप्स बनानी है, अब मुझे नहीं पता ये हार्ड होगा सॉफ्ट होगा, बस जैसे भी है हमने इसकी शेप बनानी है। मैंने इसको हिलाया ही इधर से ज़रा भी, तो मुझे ये ड्राई हो गया होगा, मुश्किल काम है न्यू टेक्सचर बनाना बहुत ज़्यादा। तो अब हम इस बस से करते हैं थोड़ा सा, मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी शेप बनाएगा, चेक कर लेती हूँ। मुझे पापा कह रहे हैं कि ये हार्ड हो जाए ना तुम्हारा टेक्सचर, और मैं उन्हें कह रही हूँ नहीं पापा जी नहीं होगा हार्ड। तो ऐसा करते हैं, वैसे भी इसमें कुछ भी ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ना कलर इसका बहुत प्यारा है, मैं ये और थोड़ा वाइट सीमेंट इसमें ऐड कर दूंगी ताकि जो है ये हार्ड ना हो, भाई हार्ड होने का बहुत डर है। ठीक है जनाब, तो देखते हैं। और ये है हमारी सेलिब्रेशन वीडियो जो कि आप पहले देख चुके होंगे और बाद में आप ये देखेंगे। तो ये मोल्ड मैंने चूज़ किया, नज़र आ रहा है ना आपको, हाँ ये मोल्ड मैंने चूज़ किया बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत अच्छा रहेगा एंड इट्स माय फेवरेट, सो मैंने यही चूज किया। हो सकता है कि मैं इसको अभी एक और दिन दे दूँ क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी वैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं है यार, मौसम इतना चेंज हो गया कि वो देखें ये अभी तक स्टिकी है। मुझे बस ये कि मैं इतना पानी रखूँ कि ये हार्ड ना हो, बट ऐसा लग नहीं रहा इसलिए हो जाए। और ड्राई कर लिया जाए, सो आई थिंक आज भी ये शूट नहीं होगा, बट मैं ये पार्ट ऐड ज़रूर करूँगी, मुझे कितने दिन लगे इसको बनाने में। तो कल जब मैंने इसको हिलाया था तो इसमें काफ़ी पानी था, तो मैंने इसको छोड़ दिया था कि इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर मैं इसकी शेप बनाऊँगी। तो अब आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया हुआ है, तो इतने टेक्सचर की मैं इतने जितना ये पानी अभी है इसी में शेप बनाऊंगी, क्योंकि अगर इसमें मैं ज़्यादा पानी ऐड करूंगी लाइक अ पेस्ट तो ये हार्ड हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है और अब हम इसकी बस हमने शेप्स बनानी है। मैंने कहा ये तो आपको लाजमी दिखाना है, ये देखें जितनी शेप्स मैं बना रही हूँ आप देख लें, बाकी मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊँगी। इसने भी मुझे बहुत खपाया है, काफ़ी मुश्किल टेक्सचर है और अभी भी इसका कोई पता नहीं कि ये कैसा बनेगा, बट लेट्स सी। जगह भी कोई ख़ास नहीं है मेरे पास रखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ
आप लोगों को नज़र नहीं आया बस इस टेक्सचर का यही है मुझे कि ये हार्ड ना हो, क्योंकि क्ले जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो मुल्तानी मिट्टी है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा ना वो थी, लाइक आप कह सकते हैं कि स्टिकी थी, तो उसको बनाना बहुत मुश्किल है। और अभी आपने किया वार्ड इसको इग्नोर करना है क्योंकि इसके भांडे भूडे तो पता नहीं किसी ने ख़रीदने के नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका वेट करूँ कि इसकी आवाज़ बंद हो फिर ज़्यादा शाम हो जाती है और कुछ सही से नज़र नहीं आता। यहाँ पर निकाल रही हूँ, देखी जाए जितनी भी निकालती हूँ, बाकी जो है फिर निकल बहुत प्यारी रही है ये शेप। होप सो कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। और ये देख लें आप, पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल से भी बल्कि आप कम कह सकते हैं, वैसा पानी नहीं है कि पता लगे हाँ इसमें पानी डला हुआ है, तो इसको इतने ही पानी में मैंने मोल्ड करना है। अब ये सॉफ्ट हो हार्ड हो कोई आइडिया नहीं है मुझे, पर मेरा ख्याल है कि ये नॉर्मल बनेगी, ना बहुत हार्ड और ना ही बहुत सॉफ्ट। वैसे क्ले जो थी ना वो बहुत बहुत ज़्यादा वो थी, बहुत ज़्यादा स्टिकी थी। अगर मैं उसके अंदर कम सीमेंट ऐड करूँ ये वाला, तो वैसे तो इसने भी बहुत अच्छा कलर पकड़ा है क्योंकि मैंने क्ले की क्वांटिटी भी ठीक रखी थी, तो उसको मोल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये जो प्योर टेक्सचर होते हैं ये ऐसे ही बनते हैं, हम इनको लाइक ये नहीं कर सकते कि इनको प्योर ही क्रिएट करें, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ये हार्ड हो जाते हैं। लेकिन मेरे पास प्योर मड है, जो अगर मैं उसको प्योर बिल्कुल भी उसमें सैंड ऐड ना करती तो वो बिल्कुल भी अच्छा मोल्ड ना होगा। जगह मेरे पास वाकई नहीं है टेक्सचर्स के लिए और समझ भी नहीं आती मैं। पूरी तो छत भरी हुई है, कल मामा ऊपर आई तो वो परेशान ही हो गई छत देख के कि ये तुमने क्या किया हुआ छत पे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों की डिमांड ही इतनी होती है और इस टेक्सचर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा एक दफ़ा बना लिया जाए कोई बात नहीं। अब ये डिमांड मत करिएगा कि इसके अंदर कुछ और ऐड करें, ये करें वो करें, जी बिल्कुल इसका कलर ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसके अंदर कुछ भी और चीज़ ऐड करूँगी। और मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने ये आपके साथ शेयर किया होगा इसका ट्यूटोरियल मुल्तानी मिट्टी का, आई डोंट नो मेरा कैसा बनेगा या उनका कैसा बनता है, बट ऑब्वियसली मेरे से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग ऑलरेडी हैं। मैंने अपने हिसाब से बनाया है जिसमें लाइक बहुत ज़्यादा एफर्ट भी ना करना पड़े और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल जाए। ऐसा एफर्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ी है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ब्रेक करके या कुछ भी इस तरह का नहीं करना पड़ा। बाकी देखते हैं कैसा टेक्सचर बनता है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इसके अंदर से ना इसके मुल्तानी मिट्टी की खुशबू आ रही है, स्टिल आ रही है, बट मुझे ये वाला ही कलर चाहिए था, ब्राउनिश येलोइश सा, मुझे ना वो मडी कलर नहीं चाहिए था, समथिंग डिफरेंट, सो मैंने वाइट सीमेंट यूज़ किया, वरना अगर मैं इसके अंदर ग्रे डालती तो भी काम चल जाता। अभी तो मैं इसको यहीं पे रखूँगी, एक वीडियो यहाँ पे शूट होगी क्योंकि इस छत पे फिर भी धूप आती है, फिर मैं इसकी जगह चेंज कर दूँगी, देखते हैं अब। तो बाकी के मैं आपको बना के फिर दिखाऊँगी क्योंकि ऐसे फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये रेडी हो गई है, मैंने इसको बना के रख दिया, कलर बहुत परफेक्ट आया है। मैं सोचा था कल बना लूँगी बट आई एम सो टायर्ड, एंड मैंने कहा नहीं यार इसको ख़त्म करके ही जाऊँगी नीचे, मेरे हाथ भी छिल गए हैं यहाँ से ना, दर्द कर रहा है। तो
ये कंप्लीट हो गया। मैंने डिटेल ट्यूटोरियल बनाया आप लोगों के लिए स्टार्ट से एंड तक। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ भी आ जाएगा। और जब तक मैं ये वीडियो डालूँगी, हो सकता है पहले डालूँ, हो सकता है बाद में डालूँ, सो मुझे आइडिया नहीं है। अगर मेरे पास कोई वीडियो ना हुई तो मैं ये भी डाल सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड मेरे चैनल्स को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह के आगे भी ट्यूटोरियल मैं लाती रहूँगी जब तक सर्दियाँ हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर करूँ। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।